गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने फर्स्ट ऑर्डर दिया था। फर्स्ट ऑर्डर का मैंने आपको अलग अलग लेक्चर भी सेंड किया है, ठीक है, नीट वालों का अलग है, जेई वालों का अलग है, क्योंकि आज आपका लेक्चर सेम जाएगा तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज कॉमन सा टॉपिक है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें टेंशन, तो जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो कल मैं अलग अलग कराऊंगा जेई और नीट के, ठीक है। तो आज जो कॉमन है, तो पहले कुछ एक कॉन्सेप्ट रह गया था, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे सपोज करो क्या कि अगर माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, के ऑफ ए है, ठीक है। माइनस डी ए बाई डी टी के ऑफ ए है, ठीक है। और इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ माइनस ऑफ डी ए बाई ए, माइनस ऑफ डी ए बाई ए। और इसका कहाँ से कहाँ मैंने इंटीग्रेशन लिया, ए वन से। एक नया टाइप का फॉर्मूला है ये, बेसिकली ये फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ जो बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। और ये कहाँ से कहाँ कर रहा हूँ, के डी टी कर रहा हूँ मैं, टी वन से लेकर टी टू तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। जब इसे इंटीग्रेशन करते हो आपको क्या मिलेगा, एल एन ऑफ ए वन बाय ए टू, एल एन ऑफ ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू क्या होगा, के ऑफ टी टू माइनस टी वन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है बेटा, ठीक है। अच्छा सपोज करो रेट एट इनिशियल टाइम, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे अगर मैं बात करूं इनिशियल टाइम, तो ये किसके बराबर होगा, के ऑफ ए इनिशियल, मतलब जो भी जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन लोगे वो आर ऑफ टी जीरो पे होगा। आर ऑफ टी इक्वल टू, अगर मैं बात करूं आर ऑफ टी इक्वल टू टी पे, टी वन पे, लेट इट बी आर रेट, रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी वन, तो लेट टाइम तो मेरा क्या हो जाएगा, टी वन हो जाएगा, और इस जगह पे के ऑफ ए वन हो जाएगा। और आर टी इज इक्वल टू टी टू की बात करूं मैं, तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा, टी टू हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, के ऑफ ए टू के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, के ऑफ ए टू। इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आप इन दोनों को डिवाइड करो, तो लेट इट बी इसको मैं आर वन मान लेता हूँ और इसको मैं आर टू। टी वन टाइम पे मेरा आर वन है रेट, और टी टू टाइम पे मेरा क्या आर टू, तो आर वन बाय आर टू क्या बराबर हो जाएगा, ए वन बाय ए टू क्या बराबर हो जाएगा, ए वन बाय ए टू के बराबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ आर एल एन ऑफ आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ऑफ टी टू माइनस टी वन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, थोड़ा याद रखिएगा, नीट या जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर बेस्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, क्वेश्चन है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोलर पर सेकेंड, 0.04 मोलर पर सेकेंड आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट फ्रॉम इनिशिएशन, ठीक है। एंड इट बिकम 0.03 एंड बिकम 0.03 मोलर पर सेकेंड आफ्टर 20 मिनट फ्रॉम इनिशिएशन, ठीक है। कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट आपको दिया हुआ है 0.04 मोलर 10 आफ्टर 10 मिनट, और आफ्टर द और आफ्टर 20 मिनट उसका दिया हुआ है 0.03, ठीक है। तो कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन है बेटा, मुझे फॉर्मूला पता है एल एन बराबर क्या होगा, आर वन बाय आर टू बराबर क्या हो जाएगा, के ऑफ टी टू माइनस टी वन। अगर आपको के पता चल गया, इसे मतलब हाफ लाइफ पता चल गया, एल एन ऑफ बराबर क्या लिखूंगा मैं, 0.04 by 0.03, ठीक है, इज इक्वल टू के ऑफ टी टू माइनस 20 माइनस 10, मतलब इक्वल टू के इंटू 10। तो यहां से जो आप फॉर्मूला वैल्यू आएगा, के इज इक्वल टू 1 by 10 ln 4 by 3,
तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसको आप क्या करोगे, एल एन टू से डिवाइड कर दो, दैट इज योर हाफ लाइफ। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको समझाना था, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं वो है सेकेंड ऑर्डर पे, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, सेकेंड ऑर्डर हालांकि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें फॉर्मूला इनका पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर से ही स्यूडो ऑर्डर का डेरिवेशन हुआ है, ठीक है। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं ना बेटा, वो सेकेंड ऑर्डर से ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। और आज ही हम क्वेश्चन करेंगे टेबलर फॉर्म वाले क्वेश्चन जो आपने एनसीईआरटी वगैरह में देखे होंगे, एंड ये जेईई नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का डेफिनेशन, भाई जिसका जिस रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन के सेकेंड पावर पे डिपेंड कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन rate of reaction depends on second power of concentration, उसे हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो आपका A tends to give product है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। A tends to give product है, और मैं ऐसा सपोज करके चलता हूँ, तो ये बराबर क्या होगा इसका रेट, R is equal to K of A square। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, T equal to, भाई आप देखो, जो अब तक मैंने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, इनका मैंने क्या किया था, याद करो पहले t जीरो बना था, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के डी टी, और वो क्या वहां से क्या आता था, dx बाई डी टी आता था, और यहाँ के टी आता था, दोनों को इंटीग्रेट करते थे, फिर वहां से हम फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला निकालते थे। इस मेथड को हम इंटीग्रेशन लॉ मेथड में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो वही इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से ही हम ऑलमोस्ट nth ऑर्डर तक के भी हम क्या करते हैं, इनके फॉर्मूले डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पे a नॉट होगा, तब ये जीरो होगा, t इक्वल टू t पे a नॉट माइनस x इज इक्वल टू ए टी, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, bt, ये हम करते हैं, ठीक है। फिर से नंबर क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k ऑफ a स्क्वायर। अब वही से यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, dx बाई डी टी के बराबर होगी, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k ऑफ a नॉट माइनस x लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, a नॉट माइनस x का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ कंसंट्रेशन है टाइम t क्या होगा, a नॉट माइनस x, तो a नॉट माइनस x का होल स्क्वायर। अब एक्चुअली में होता क्या है, देखो कभी कभी आपको रिएक्शन दो तरीके से दिए हुए रहते हैं। जैसे सपोज करो, इधर नहीं लिख के मैं ऐसा लिखता हूँ, जैसे सपोज करो a प्लस b टेंस टू गिव प्रोडक्ट, ये तो पहला तरीका है, ठीक है। कभी कभी कोई क्वेश्चन है ऐसा, ये तो मैंने क्या रखा, एक ही रिएक्टेंट लिया और उसको सेकेंड ऑर्डर का माना। ऐसा भी तो हो सकता है एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और दोनों के क्या हो, फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये भी फर्स्ट ऑर्डर का और ये भी फर्स्ट ऑर्डर का, ओवरऑल ऑर्डर तो आपके लिए तब भी सेकेंड होगा। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक रिएक्टेंट लिया और उसी को सेकेंड ऑर्डर माना, तब आप इस तरीके से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सपोज करो जो रेट होगा वो आर इज इक्वल टू के ऑफ ए इंटू बी पावर वन, मतलब ये क्या होगा, अभी भी ये टोटल क्या हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। अब यहाँ पे दो केसेस होंगे, या तो दोनों के कंसंट्रेशन क्या होंगे, सेम होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर सेम, ठीक है। देखो ये पहला केस है और दिस इज योर सेकेंड केस। यहाँ पे पहला केस ये कि एक ही रिएक्टेंट है और वो ही सेकेंड ऑर्डर का है। दूसरा केस ये हो सकता है कि एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट और दोनों फर्स्ट ऑर्डर के, तो भी ओवरऑल तो सेकंड ऑर्डर ही रिएक्शन आ रहा है। अब उसमें भी दो केस है कि या तो दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सेम हो और या तो कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर डिफरेंट, ठीक है। तो जैसे सपोज करो यहां पे a प्लस b टेंस टू गिव क्या हो रहा है,
प्रोडक्ट हो रहा है और a प्लस बी टेंस टू गिव क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, a प्लस बी टेंस टू गिव क्या हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट हो रहा है। अभी मैंने क्या बोला, दोनों का कंसंट्रेशन मैंने क्या मान रहा हूँ मैं, लेट इट बी दोनों का कंसंट्रेशन सेम मान रहा हूँ। तो t इक्वल टू जीरो पे ये भी a नॉट हो जाएगा, ये भी a नॉट हो जाएगा। t इक्वल टू t पे क्या होगा, a नॉट माइनस x हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, a नॉट माइनस x हो जाएगा। बराबर, यहाँ तक किसी को डाउट है? जब आप इसके इंटीग्रेट बराबर करोगे तो माइनस डी ए बाय डी टी, माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो दोनों में से किसी को भी लोगे तो डी एक्स बाय डी टी आएगा इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एट ए टाइम टी ए नॉट माइनस एक्स, और b भी क्या हो जाएगा, a नॉट माइनस x इज इक्वल टू होल स्क्वायर। मतलब दिस इज द स्पेशल केस ऑफ वन, ये और ये देखो ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे क्या मैंने दो अलग अलग रिएक्टेंट लिया बट दोनों सेम कंसंट्रेशन का। ओवरऑल फाइनल आपको यही इक्वेशन को क्या करना, सॉल्व करना है। तो ये और ये बिल्कुल क्या है, सेम है, लेकिन सेम तब होंगे जब दो रिएक्टेंट और सेम कंसंट्रेशन हो, तो आपको ओवरऑल इक्वेशन आपको क्या मिलता है, ये मिलता है। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरा में क्या होगा, t इक्वल टू जीरो पे अगर मैंने ये a नॉट लिया है और ये क्या लिया है, a और b लेते हैं, लेट इट बी a और b माना है यहाँ पे मैंने, t इक्वल टू टू पे क्या मानूंगा, a माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा, b माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगेन r बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हो k ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल तो मेरा dx बाय dt आता है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस x और b माइनस x। यहाँ पे मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ठीक है एक एक करके हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो लेट इट बी डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ऑफ ए नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, डी एक्स बाय ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी टी। क्या हो जाएगा, के डी टी। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन ए नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर जीरो से लेकर एक्स तक, और इसको इंटीग्रेशन कर दिया जीरो से लेकर टी तक। ठीक है, डी एक्स बाय ए नॉट माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन करते हैं तो ये मेरा जो वैल्यू आता है ये आ जाता है वन बाय ए नॉट माइनस एक्स जीरो से लेकर एक्स तक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा। जब आप इसको वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय a नॉट माइनस x माइनस 1 बाय a नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर फॉर्मूला, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाय t 1 बाय a नॉट माइनस x माइनस 1 बाय a नॉट। ठीक है, ऑलमोस्ट देखो ऑलमोस्ट ये सेकंड ऑर्डर का मेरा ऑलमोस्ट क्या एक्चुअली यही सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं लाइफ टाइम की बात करूं, लाइफ टाइम मतलब क्या हो जाएगा, एट लाइफ टाइम एट टीएलटी ए नॉट माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए नॉट के बराबर हो जाएगा, है ना। सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं, सॉरी माय मिस्टेक, एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए नॉट के बराबर हो जाएगी, है ना। मतलब ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट जीरो हो जाएगा या ए वन बाई इस ये जो पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाता है, पूरा जीरो हो जाता है। इसका मैं बोल सकता हूँ कि थ्योरेटिकली सेकेंड ऑर्डर भी कभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते, और ये आप ऐसा बोल सकते हो किसी भी फॉर्मूले में के और टी इनवर्स रिलेशन जहाँ शो कर दिए, मतलब प्रैक्टिकली वो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो ये वाला वन बाय जीरो समथिंग क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। आई बात समझ में, तो लिखता हूँ थ्योरेटिकली This reaction also never gets completed. This reaction also never gets completed. This reaction also never gets completed. मतलब TLT इनका क्या होता है? It tends to infinite. अब second concept है मेरा half life का. ठीक है, second concept है मेरा half life का. अब half life क्या हो जाएगा? Half life बराबर क्या हो जाएगा? X बराबर क्या हो जाएगा? A not by two. है ना, x बराबर a नॉट बाई टू, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय t हाफ 1 बाय a नॉट माइनस a नॉट बाई टू, ठीक है, माइनस 1 बाय a नॉट। ठीक है, तो 1 बाय a नॉट माइनस a नॉट बाई टू,
तो ये जो आप इनको सॉल्व करोगे, वन बाय टी हाफ वन बाय ए नॉट बाय टू माइनस वन बाय ए नॉट, तो दिस इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो वन बाय टी हाफ ए नॉट माइनस ए नॉट बाय टू बाय ए नॉट इन टू ए नॉट बाय टू, ठीक है। तो ये ऊपर बचेगा, इसको जब पूरा सॉल्व करो ये बचेगा वन बाय टी हाफ इज इन टू ए नॉट बाय टू और ए नॉट स्क्वायर बाय टू, टू और टू कैंसिल, ए नॉट और ए नॉट कैंसिल, इसका मतलब टी हाफ का जो फॉर्मूला बचेगा वन, टी हाफ का जो फॉर्मूला बचेगा वो क्या होता है मेरा वन बाय के ऑफ ए नॉट, ये मेरा सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वन बाय के ऑफ ए नॉट, ठीक है। अब यहीं से हम क्या करते हैं डिराइव कर लेते हैं जनरल ऑर्डर का, जो हाफ लाइफ जो होता है वो होता है ए नॉट का पावर वन माइनस एन, ये एनथ ऑर्डर के लिए भी वैलिड होता है, ये क्या होता है एनथ ऑर्डर के लिए वैलिड होता था, कैसे। अब देखो हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का रिलेशन क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ जीरो पुट करता हूँ तो ये जो होता है हाफ लाइफ, सॉरी डायरेक्टली हाफ लाइफ जो होता है जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है फॉर्मूला टी हाफ बराबर होता है ए नॉट बाई टू के, वैलिड है। अगर मैं एन इक्वल टू वन पुट करता हूँ तो वन माइनस वन जीरो, मतलब हाफ लाइफ कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा ए नॉट वन माइनस टू, मतलब एक ए नॉट का पावर माइनस वन, वो आप देख भी रहे हो हाफ लाइफ क्या होता है इनवर्स रिलेशन शो करता है सेकेंड ऑर्डर में। तो ये इस एनथ ऑर्डर वाले फॉर्मूले को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, मैं आपको क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसका मैं ग्राफ छोड़ो, ग्राफ पूरा अब मैं रबी कर देता हूँ बेसिकली इनको, ठीक है। इनमें बस क्या होता है ना बेसिकली आपको बस एक बार आपने फॉर्मूला याद कर लिया ना तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है, बस इसमें थोड़े फॉर्मूले ही है, बाकी है बहुत आसान है चैप्टर, चैप्टर बहुत कुछ हार्ड नहीं है, ये आपको बस फॉर्मूला याद, ठीक है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, इसमें भी ग्राफ वही है जो मैं, देखो हमने ऑर्डर जो है ऑर्डर निकालना दो तरीके से सीख लिया, एक तो इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन लो रेट लो मेथड, जो अभी तक हम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर जिस ऑर्डर मतलब जिस इन सब के जो फॉर्मूले निकाले हैं उसको हमने क्या किया इंटीग्रेट करके किया, और इसी को रेट लो को हमने क्या किया इंटीग्रेट किया, इसी को हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड, ये पहला तरीका हमने सीखा। दूसरा तरीका हमने सीख लिया ग्राफ के अकॉर्डिंग, भाई अगर आपको ग्राफ दिया तो भी आपको पता है, तो दो तरीके तो हमने सीख लिया, जो दो तरीके ये दो तरीके और होता है हाफ लाइफ मेथड और क्या था इनिशियल रेट लो मैथ, इनिशियल रेट मेथड, वो भी हम आज ही सीखेंगे, आपका पूरा ऑलमोस्ट चैप्टर का कवरेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन की, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा आर इज इक्वल टू के ऑफ ए स्क्वायर, तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तब ये ग्राफ कैसा रहेगा, तब ये ग्राफ ऐसा रहेगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम की बात करूं, तो ये फॉर्मूला कैसा था 1 बाय ए टी माइनस 1 बाय ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी, तो आप देख सकते हो ये ग्राफ कुछ कैसा रहेगा इनवर्स हो कर रहा है, ठीक है। बट दोनों में फर्क क्या है, देखो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में एक डिफरेंस है, ठीक है, ग्राफ दोनों का सेम ही है, ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसे ही डिक्रीज कर रहा है, लेकिन फर्क बस इतना आ जाता है कि वहां पे वो एक्सपोनेंशियल होता है और यहाँ पे ये नॉन एक्सपोनेंशियल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस बहुत बात को याद रखना कि ये नॉन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, बाकी रिलेशन वही रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करूं वन बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम,
तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, ये ग्राफ रहेगा ऐसा, और यहाँ से यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a0। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप से ये चीज आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर मैं बात करूँ हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट का, तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, अच्छा 1/a0 का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। लेकिन वही मैं हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो कैसा रहेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, आई बात समझ में। ठीक है, तो ये हमारे रेट का था। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, पहले तरीके से सारे ग्राफ ड्रॉ कर लिए जब मेरा कंसंट्रेशन क्या था, सेम था। ठीक है, और उसी की हालांकि सब सारे सेकंड मेथड से जाओ, फर्स्ट मेथड से जाओ, ग्राफ आपके ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे सब में। ठीक है, अब लेकिन जो हमें सेकंड मेथड था, सेकंड मेथड क्या बोल रहा था भैया, dx by dt जो था वो आपका क्या था, k ऑफ a माइनस x और b माइनस x। अब इसके अकॉर्डिंग भी तो आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ना, तो बहुत कुछ हार्ड नहीं है। हम क्या करेंगे अगेन, dx by a माइनस x और b माइनस x इज इक्वल टू 0 से लेकर x तक, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k dt। इसको भी मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से लेकर t तक। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो वैल्यू क्या आएगा, k t आएगा। लेकिन ये वैल्यू क्या आएगा, इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आप मेरे से बेटर जानते हो, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं इसको, 1/a - x माइनस ऑफ 1/b - x। ठीक है, कहां से कहां तक करेंगे हम, 0 से लेकर x तक इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, 0 से लेकर, अभी भी इंटीग्रेशन ही है ये, दिस इज इंटीग्रेशन है। तो इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, इसको हम पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड से करते हैं, 0 से लेकर x तक इंटीग्रेशन करना है मुझे। ठीक है, दिस इज योर इंटीग्रेशन। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा 1/b - a। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करने पे मुझे मिलता है माइनस ऑफ ln a माइनस x प्लस ln b माइनस x और 0 से लेकर x तक kt। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करने का मेथड होता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, नीट वाले नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, बस आपको फॉर्मूला एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे 1/b - a और ये वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी माइनस ऑफ ln a माइनस x प्लस ln ऑफ a। ठीक है, प्लस ln b माइनस x माइनस ऑफ ln b। ठीक है, ये वैल्यू पुट करने पर 0 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt। ठीक है, तो जब आप ओवरऑल इसको रीअरेंज करोगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, 1/t × 1/b - x ln ऑफ a ऑफ b माइनस x बाय b ऑफ a माइनस x। ठीक है, तो दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला, जब रेट कांस्टेंट और t का फॉर्मूला। लेकिन ये कब वैल्यूड है, जब दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो मेरा, डिफरेंट हो बेटा, क्या हो मेरा बेटा, डिफरेंट हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्या कि मान लो सेम चीज ले रहा हूँ, a प्लस b मेरा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, a प्लस बी मेरा क्या हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट है। सपोज करो ऐसा है, ये t इक्वल टू 0 पे अभी मैंने क्या लिया, a लिया, और ये मैंने क्या लिया, b लिया। ठीक है, ये अभी भी मैं क्या ले रहा हूँ, t इक्वल टू t पे a माइनस x ले रहा हूँ, ये b माइनस x ले रहा हूँ, तब यहाँ पे कुछ x मेरा प्रोडक्ट बना, लेट इट बी, ऐसे सेम कॉन्सेप्ट पे मैं चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूँ कि b इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, b जो है मेरा क्या होता है, अगर मैं मान लेता हूँ b मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है a से, लाइक अगर b आपने 2000 ml लिया और a आपने मान लो 10 ml लिया, a आपने क्या लिया, 10 ml लिया, क्या प्रैक्टिकली b के कंसंट्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा, प्रैक्टिकली तो कोई कंसंट्रेशन फर्क नहीं, क्यों, अगर भाई इसका 10 और इसके 2000 में सिर्फ 10 ही रिएक्ट करेगा तो 10 ही बनाएगा ये। मान लो आपने a का 10 ml कंसंट्रेशन लिया और b का 2000 ml लिया, ठीक है, क्या प्रैक्टिकली बी के कंसंट्रेशन में कोई चेंज आ रहा है, बिल्कुल नहीं चेंज आ रहा है। और जब ऐसा होता है कि पर्टिकुलर रिएक्टेंट आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले लेते हो, तो वो जो आप जो एक्सेस में लोगे वो कभी भी रेट लो मेथड में, वो कभी भी रेट लो एक्सप्रेशन में आप इंक्लूड नहीं करोगे उसको, ऑलमोस्ट उसको क्या मान के चलते हो आप, उसको कॉन्स्टेंट मान के चलते हो। ठीक है, बहुत सारे बुक में ऐसा दिया जाता है कि उसको जीरो माना जाता है, जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत है, कभी भी स्यूडो ऑर्डर में हम उसको जीरो नहीं मानते, आप उसको बोल सकते हो उसका
वो कांस्टेंट हो जाएगा, बट उसका खुद का अपना कुछ ऑर्डर होगा, हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकंड ऑर्डर का हो, थर्ड, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कांस्टेंट हो जाएगा। और जब कोई चीज कांस्टेंट हो जाता है उसको हम कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करते। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जब बी बहुत ज्यादा ज्यादा ए से बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाता है, इस फॉर्मूले में क्या हो जाए, के बराबर 1/t, बी मेरा क्या प्रैक्टिकली बहुत बड़ा हो गया, के 1/t इंटू बी, और तो बी बड़ा हो गया तो बी माइनस है ऑलमोस्ट क्या हो गया, बी के बराबर हो गया, तो 1/b इंटू एलन ऑफ ए, बी माइनस एक्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि जब ए बहुत छोटा है तो उसमें से भी जो टूटेगा वो भी तो छोटा ही होगा, तो एलन ऑफ बी ए इंटू बी हो जाएगा बाय बी इंटू ए माइनस एक्स, दिस और दिस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप थोड़ा बात को समझो, क्या ये जो फॉर्मूला है के बराबर 1/t इंटू स्मॉल बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटू एलन ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स, अब ये के बी, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, मैंने क्या बोला 2000 ml भैया वो तो कांस्टेंट ही, वो तो चेंज ही नहीं करा, रेट कांस्टेंट इंटू दिस, तो इसको मैं एक न्यू रेट कांस्टेंट मान लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t एलन ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स। तो क्या ये आपको फर्स्ट ऑर्डर जैसा नहीं दिख रहा है, क्या ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर जैसा नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ पे केडेस क्या हो जाएगा, केडेस हो जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, या रे, क्योंकि पहले ये सेकंड ऑर्डर था, अब ऑर्डर क्या हो चुका है मेरा, कम हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे ये केडेस का मतलब है रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई बात समझ में, कहने का मतलब के जो है रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर था मेरा, लेकिन ये जो केडेस होगा, केडेस क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब आप कोई भी एक चीज कभी कोई रिएक्टेंट एक्सेस में ले लेते हैं या किसी के अंदर कैटलिस्ट आ जाता है, मान लो कभी कभी कैटलिस्ट भी इस चीज का रोल प्ले करता है, तो उस रिएक्शन का ऑर्डर एक एक से क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, मान लो अगर वो थर्ड ऑर्डर का होगा तो वो सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा, अगर वो सेकेंड ऑर्डर का होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। लेकिन ये मत मान लेना कि कभी कभी मिसकॉन्सेप्ट बच्चा ये कर जाता है ना कि सर ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, है ना, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और रेट कभी कंसंट्रेशन में अगर डिपेंड नहीं करता तो जीरो ऑर्डर आ जाता, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये होगा अभी भी बी का जो अपना ऑर्डर होगा वो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा, लेकिन वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं आ जाएगा क्योंकि वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसका खुद का अपना ऑर्डर वन ही रहेगा या जो भी उसका ऑर्डर है पहले से। तो इसका मतलब सिंपल सा आपको ये भाषा में समझना है कि कभी कोई कंसंट्रेशन कभी किसी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है, इसका मतलब वो उसको आप कांस्टेंट मान के चलोगे, कांस्टेंट मानने का ये मतलब नहीं कि उसको आप जीरो ऑर्डर मान लोगे, वो कांस्टेंट के जैसे रहेगा और वो कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करोगे आप। आई बात समझ में, ये बात आपको समझ में आई, आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई। जैसे फर्स्ट सपोज करो एक और क्वेश्चन ले लो, ए प्लस टू बी मेरा क्या हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट हो रहा है, सपोज करो मेरे ए प्लस टू बी क्या हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, और इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, के ऑफ ए बी का पावर 1 है, ठीक है, व्हाट विल बी द रेट लॉ एक्सप्रेशन, व्हाट विल बी रेट लॉ एक्सप्रेशन, व्हाट विल बी द रेट लॉ एक्सप्रेशन इफ बी इन एक्सेस, इफ बी इन एक्सेस, अगर बी को मैंने एक्सेस में ले लिया, इसका मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा, के डैश ए का पावर 1, और जबकि के डैश की वैल्यू क्या होगी, के डैश की वैल्यू होगी के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। आई बात समझ सबको, आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस फॉर्मेट में भी दे देता है, किस फॉर्मेट में, कि मान लो ए प्लस बी और सी कोई कैटलिस्ट है और वो आपको क्या कर दिया, आपको प्रोडक्ट में यूज कर दिया मैंने, ठीक है, तो अब जैसे सपोज करो आर बराबर क्या होता है, ए के ऑफ ए बी और सी, एक्चुअल में ये होना चाहिए थर्ड ऑर्डर का, क्या होना चाहिए थर्ड ऑर्डर का, लेकिन इसका एक्चुअल जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है के डैश ए ऑफ बी, और जबकि के डैश बराबर क्या होता है, के इंटू सी। अब आप बोलोगे सर कैटलिस्ट आप तो बोलते हो कि इंक्लूड करते हैं, हाँ बिल्कुल इंक्लूड करते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट क्या सिखाया कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी
पार्ट कर रहा है और उसका कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहा, इट मीन्स आप उसको क्या मान के चलोगे, कांस्टेंट मान के चलोगे और उसको रेट लो एक्सप्रेशन से आप उसको हटा दोगे। क्योंकि कैटलिस्ट मेरा क्या होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो क्या करता है बस उनकी स्पीड बढ़ाता है। तो जितना कैटलिस्ट आपने इनिशियल लिया था फाइनल रिएक्ट माइंड फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद भी कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन उतना ही रहता है, तो कैटलिस्ट भी आप कांस्टेंट के जैसे एक्ट करता है, आप उसको रेट लो एक्सप्रेशन से हटा सकते हो। बस जो थर्ड ऑर्डर का रहेगा वो सेकंड ऑर्डर में दिखने का रहेगा। सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब होता है छलावा, दिखने में तो थर्ड ऑर्डर के जैसा है लेकिन बिहेव कर रहा है वो सेकंड ऑर्डर के जैसा, आई बात समझ में। तो इसी को हम सूडो सूडो वर्ड, सूडो वर्ड जहां लग गया ना किसी रिएक्शन के आगे सूडो वर्ड लग गया, इसका मतलब जो एक एक ऑर्डर कम हो जाता है, एक ऑर्डर से क्या हो जाता है रिएक्शन कम हो जाता है, सूडो थर्ड सेकंड ऑर्डर मतलब था वो थर्ड ऑर्डर का बट वो सेकंड ऑर्डर के जैसे बिहेव कर रहा है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर था वो सेकंड ऑर्डर का बट वो फर्स्ट ऑर्डर के जैसे बिहेव कर रहा है, आई बात समझ में। सूडो फर्स्ट का मतलब सेकंड था फर्स्ट के जैसे बिहेव कर रहा है, सूडो सेकंड का मतलब थर्ड के जैसा था बट वो सेकंड के जैसे बिहेव कर रहा है। तो सूडो वर्ड आते ही याद रखना उसमें एक रिएक्टेंट एक्सेस में बिहेव करता है, किस में बिहेव करता है एक्सेस के जैसे, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं वो सूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सूडो ऑर्डर है। क्या है रिएक्शन इन विच काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन इन विच काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन इन विच काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन इज स्टडीड बाय, इज स्टडीड बाय डिक्रीज्ड ऑर्डर, decreased order suggested by decreased order are known as pseudo order reaction, are known as pseudo order रिएक्शन। अच्छा बेटा ये एक बात हो रहा है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन सूडो ऑर्डर रिएक्शन एंड विद देयर एग्जांपल एक्सप्लेन इट, तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड इट हैपन्स व्हेन, एंड इट हैपन्स व्हेन, अब ये होगा कब, कंडीशन क्या होती है, जब एनी पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, एनी पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, पर्टिकुलर रिएक्टेंट एक्सेस में हो या क्या हो, रेट लो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व कैटलिस्ट, जब रेट लो एक्सप्रेशन कैटलिस्ट को इन्वॉल्व कर लेता है, इन्वॉल्व कैटलिस्ट, क्योंकि प्रैक्टिकली कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए वो उसका एक ऑर्डर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इनके एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, पहला है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है, इनके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, तो आपको फॉर्मूला पता ही इसका, ये तो किया ही है मैंने, CH3COOH CH3COO C2H5 plus H2O tends to give H plus, इस क्या हो जाता है
कैटलिस्ट कैसे बिहेव करता है? CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक है, ये होता है इसका एक्चुअल में रेट ला एक्सप्रेशन कैसा आता है, R बराबर के CH3COOH2H5 और H प्लस। मैंने आपको क्या बोला, H प्लस के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो जैसे पहले था वो बाद में भी ऐसा ही रहेगा, इसका मतलब इट विल बिहेव एज अ कांस्टेंट। तो आप इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो यहाँ पे जो रेट ला एक्चुअल रेट ला एक्सप्रेशन हो जाएगा के डैश CH3COOH2H5, क्योंकि कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट आपको एक नया कांस्टेंट जनरेट करेगा, जबकि के डैश की वैल्यू क्या होगी, के इंटू एच प्लस, के इंटू क्या होगी बेटा, एच प्लस। आई बात समझ में। सेकेंड एग्जाम्पल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का मतलब क्या होता है, जैसे C12H22O11 प्लस H2O H प्लस, ठीक है, क्या देगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। एक्चुअल में इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसा होता है, R बराबर K ऑफ C12H22O11 इंटू एच प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, H प्लस कैटलिस्ट के जैसे बिहेव कर रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, K डैश C12H22O11, जबकि K डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, K इंटू एच प्लस के बराबर है, ठीक है। तो जब भी याद रखना, कोई रिएक्टेंट आपको एक्सेस में ले लेता है या अगर कैटलिस्ट आ जाता है तो वो किसका एग्जांपल हो जाता है, सूडो ऑर्डर का एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे लेवल का कराता हूँ, आपको बेहतरीन समझ में आए, जिससे चीज़ें ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर प्रोसीड विद हाफ लाइफ ऑफ 50 मिनट एट pH इज इक्वल टू 5 फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ सुगर हाउ एवर इफ pH इज 6 Half life changes to 500 minutes for any concentration of sugar. अच्छा देखो, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ऐसा भी नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें टेंशन वाली बात है। मुझे क्या निकालना है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर प्रोसेड विथ हाफ लाइफ ऑफ 50 मिनट एट pH इक्वल टू 5 फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, मतलब हाफ लाइफ 50 मिनट जो है वो कंसंट्रेशन शुगर पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब शुगर का जो कंसंट्रेशन है वो मेरा क्या होगा, शुगर का जो ऑर्डर होगा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब मुझे ये पता है कि के जो बराबर होगा वो क्या होगा, के डैश एच प्लस का पावर बी, क्योंकि वो तो फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ, इसका क्या ऑर्डर है वो मुझे निकालना है, ठीक है। और मुझे पता है के डैश बराबर क्या हो जाएगा, 0.693/T½, ये होगा, यही दो फॉर्मूला है भैया। अगर आपको इसका हाफ लाइफ पता और इसका ये पता है तो आप क्या कर सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, जस्ट सपोज करो, ठीक है, ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो रेट कांस्टेंट बराबर क्या होगा, 0.693 बाय हाफ लाइफ,
और यहाँ पे k की वैल्यू किसके बराबर है, k डैश बाय दिस। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 0.693 बाय पहला हाफ लाइफ उसने कितना दिया 50 मिनट का इज इक्वल टू k डैश और pH का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ 10^-5 का पावर b डिवाइडेड बाय 0.693 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k डैश इंटू 10^-6 का पावर b। दिस और दिस कैंसल, दिस और दिस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 0.693 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 500 बाय 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का पावर b मतलब b का ऑर्डर कितना हो जाएगा b की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था ओवरऑल मेरा सूडो ऑर्डर। कुछ नहीं किया बेटा, क्योंकि k का वैल्यू क्या होगा k डैश इंटू एच प्लस बी जो हम देखते हैं रेट कॉन्स्टेंट में, क्योंकि ओवरऑल रेट क्या होता है, रेट बराबर होगा k इंटू शुगर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर जिसका पावर 1 बोला और h प्लस का पावर b बोला। बराबर, अब ये तो 1 है तो मुझे कोई मतलब नहीं, और k बराबर क्या हो जाता है, k बराबर जो हो जाएगा k डैश एच प्लस का पावर b, एच प्लस का पावर बी, क्योंकि एक्चुअल में रेट क्या हो जाएगा के डैश इंटू शुगर का पावर 1, यही होगा। क्योंकि मुझे एक बार मुझे क्या करना है, के डैश से भी कोई मतलब नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे एच प्लस का और ये निकालना है। तो हाउ एवर पी एच हाफ लाइफ चेंजेस टू दिस एनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, आपको क्या करना है इसका ऑर्डर निकालना था एच प्लस का। ठीक है, इसका ऑर्डर निकालना था। तो अब इसको कैसे करेंगे भैया, क्योंकि के इसके बराबर हो और ये के इसके बराबर है, तो दोनों को मैंने क्या किया डिवाइड किया, यहाँ से मैंने क्या कर लिया ऑर्डर निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप सो, शायद ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ एच प्लस। ठीक है, तो वो मुझे करना था। तो यहाँ से पहला तो ऑर्डर उसने ऐसे ही दे दिया था कि ये शुगर का कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है, लास्ट चीज डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है nth ऑर्डर। ठीक है, आखिर nth ऑर्डर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि कुछ नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको डेरिवेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डेरिवेशन नहीं भी करते तो भी कोई गुनाह नहीं है, आपको बस क्या होना चाहिए फॉर्मूला याद होना चाहिए इनका, बस इससे ज़्यादा हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, nth ऑर्डर में करना क्या है आपको, देखो वही इंटीग्रेशन रेट लॉ मेथड। मान लो a टेंस टू क्या है आपका प्रोडक्ट है, a टेंस टू क्या आपका प्रोडक्ट दिया हुआ आपको सपोज करो, तो माइनस डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी हो जाएगा k ऑफ a का पावर n। ठीक है, अब समझो बात को, माइनस ऑफ डी ए और a का पावर कंसंट्रेशन ऑफ n। ठीक है, मैंने इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ किया, a नॉट से लेकर a t तक, और ये क्या किया k डी टी किया 0 से लेकर t तक। ठीक है, तो जब आप इनको करोगे का पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 का a नॉट से लेकर at तक, ये क्या हो जाएगा kt हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा kt, और जब इनको सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाय n माइनस 1 बाय at का पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाय a नॉट का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू kt। दिस इज योर nth ऑर्डर फार्मूला, क्या फार्मूला हो जाएगा, nth ऑर्डर फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, हाँ, अब ये बोल सकते हो दिस इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला वैलिड नहीं होता, बाकी ये जीरो ऑर्डर के लिए आप जीरो पुट करोगे तो आपको ऑलमोस्ट यही फार्मूला मिलेगा 1 बाई at माइनस 1 बाई a0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kt हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, तो आई होप सो ये समझ में, हाफ लाइफ का अगर nth कैलकुलेट, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कैलकुलेट t हाफ फॉर
nth ऑर्डर। कभी कभी देखो आपको जेईई और नीट में करता क्या है, कभी कभी वो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेगा क्वेश्चन के फॉर्मेट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आप फॉर्मूले को याद रखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुझे पता है एट टी हाफ क्या हो जाएगा, ए नॉट बराबर क्या, ए टी बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट बाय टू हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा ये प्लस है माइनस एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, माइनस ही आएगा, माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी एन का पावर माइनस वन, और ए टी बराबर हो जाएगा माइनस वन दिस ए टी, ए टी माइनस ना ए नॉट इज इक्वल टू के टी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला रहेगा फाइनली, ठीक है, यही फॉर्मूला रहता है फाइनली, ठीक है। तो 1/80 माइनस ए, हाँ ऑलमोस्ट फॉर्मूला यही है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला पुट ए नॉट बाई टू, तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/n-1 1/a0/2 का पावर n माइनस वन माइनस 1/a0 का पावर n माइनस वन, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो उसको आपको ऑलमोस्ट मिलेगा t हाफ बराबर जो हो जाएगा 1/k, ठीक है, 1/n-1। अब इसमें एक काम कर सकता हूँ, a0 का पावर n माइनस वन को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो 1/a0 का पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया तो नीचे क्या बचेगा, 1/2 का पावर n माइनस वन, और बस इतना ही बचेगा 1/2 का पावर n माइनस वन। तो 1/1/2 का पावर n माइनस वन ऊपर चला जाएगा, तो 2 का पावर n माइनस वन माइनस वन, ठीक है। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर nth ऑर्डर, और आप यहाँ देख सकते हो t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का पावर n माइनस वन, और मैंने आपको क्या दिया था, टी हाफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ए नॉट का पावर 1-n। तो वही हो रहा है, टी नॉट डायरेक्टली, तो जीरो ऑर्डर में 1-1 क्या हो जाता है, जीरो। हाफ लाइफ पे कभी भी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज़ वो वैलिड है, वो मैंने 1-n कर दिया था, आप n माइनस वन वो चॉइसेस जो है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जो होता है, ये हमारा जितने भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन थे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, ये सारे मैंने आपको कंप्लीट कर दिए। इससे ज़्यादा जेईई मेंस में नीट में पूछा नहीं जाता है, और बिलीव मी 99% क्वेश्चन आपके फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर पे रहते हैं, बट फिर भी किस्मत खराब रही कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं, आपको इंटीग्रेशन वगैरह आता है तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान है, कोई बहुत हार्ड वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली हम इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो दो, एक मेथड मैंने आपको, दो मेथड आपको ऑलरेडी बता दी, ग्राफिकल मेथड और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दो और कवर करेंगे, बट क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक साथ फिर से रिविजन के तौर पर आपको करा दूंगा, ठीक है। नीट वालों का मुझे लगता है अगले तीन लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप लोग के लिए ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, द एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आखिर एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम कैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअली ये चार मेथड होते हैं, पहला होता है इनिशियल रेट मेथड, ये जो पहला मेथड है ना बेटा,
जेई मेंस और नीट में 100% हर साल एक पेपर में, या जेई मेंस में मान लो 5 पेपर हुए, उस 5 में से 3 पेपर में जरूर इस मेथड पे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है। और इवन द नीट में भी हर साल इस क्वेश्चन, इस मेथड पे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सेकंड मेरा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड हो गया, ठीक है। थर्ड वन जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। और फोर्थ हो जाएगा हाफ लाइफ मेथड, ठीक है, हाफ लाइफ मेथड, जिसमें हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड और ग्राफिकल रेट लॉ मेथड कवर कर चुके हैं, ठीक है। बट डोंट वरी, हम सारे कवर करेंगे आपको क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पहला मेरा आ जाता है यहाँ पे इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड, यहाँ पे मेरा पहला मेथड आ जाएगा। पहला मेथड क्या, इन दिस मेथड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इन दिस मेथड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फॉर वेरियस इनिशियल कंसंट्रेशन, फॉर वेरियस इनिशियल कंसंट्रेशन, फॉर वेरियस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट will be given in the problem for different experiment by which order is determined, ठीक है। होगा क्या, बेसिकली दो रिएक्टेंट रहेगा या 3 रिएक्टेंट रहेगा, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट वो करेंगे भाई कि इनिशियल मैंने ये कंसंट्रेशन लिया, इसका इनिशियल इसका ये कंसंट्रेशन लिया और ये रेट मिल रहा, तो आप बताओ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। बेटर आपको मैं क्वेश्चन से समझाऊँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब ए प्लस बी टेंस टू गिव आपको क्या दे दिया, मान लो प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। अब मान लो एक्सपेरिमेंट नंबर, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए किसमें लिया है, मोलर पर ml, मोल पर लीटर में लिया आपको। बी नॉट का भी कंसंट्रेशन उसने किस फॉर्म, ए नॉट का भी कंसंट्रेशन, बी नॉट का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लिया है और उसका इनिशियल रेट उसने दिया हुआ है, इनिशियल रेट दिया हुआ है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये उसने किया, पहला एक्सपेरिमेंट कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उसको ये ले रहा है 2 × 10⁻², ठीक है, और ये ले रहा है 3 × 10⁻³, और ये ले रहा है 5 × 10⁻⁶, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जब वो कर रहा है 4 × 10⁻², 3 × 10⁻³। अच्छा एक बात और, इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई मेंस, नीट और बोर्ड तीनों में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और फिर ये हो रहा है 10⁻⁵, ठीक है। इसके बाद है 8 × 10⁻², थर्ड एक्सपेरिमेंट में 8 × 10⁻², 9 × 10⁻³ लिया और यहाँ पे उसको मिल रहा है 1.8 × 10⁻⁴, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा। दूसरा क्या बोला है, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। थर्ड उसने क्या बोला है, कैलकुलेट वैल्यू एंड यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, कैलकुलेट वैल्यू एंड यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। फोर्थ है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट,
व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेट इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल. इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल. इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल. तो आपको इस क्वेश्चन को फॉर्मेट कैसे, देखो यहाँ पे कभी कभी टेबल में 7-8 भी एक्सपेरिमेंट दिए रहते हैं, हमारा 3 से बेसिकली काम चल जाता है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आपको करना क्या है, बस आपको पहले मान लिया लेट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी इज एक्स एंड वाई. विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी इज एक्स एंड वाई. तो रेट ला एक्सप्रेशन आपका ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई. क्या मैं रेट ला एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ. अब एक काम करो, आप कोई दो ऐसा दो हमेशा रेट लो, आप इस तरीके से लोगे ताकि ऑलमोस्ट चीज़ें आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो दो एक्सपेरिमेंट, पहले मैं एक ये दो ले रहा हूँ और दूसरे में मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों से आपको ए का मिल जाएगा और इन दोनों को डिवाइड करने से बी का मिल जाएगा. मतलब पहले का कहने का मतलब यह है कि अगर आपने पहला 5×10⁻⁶ लिया इज इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन क्या है 2×10⁻² का पावर एक्स और 3×10⁻³ का पावर वाई. ये पहला एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग रेट ला एक्सप्रेशन है. दूसरे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, 10⁻⁵ इज इक्वल टू के, 4×10⁻² है का पावर एक्स और 3×10⁻³ है का पावर वाई. आप क्या करो, तो दोनों को डिवाइड कर दो. मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दो जब दो बिल्कुल एकदम सेम आ जाएंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो आप हमेशा दो एक्सपेरिमेंट ऐसे चुनना जिसमें ए या बी की वैल्यू क्या हो, सेम हो. अब यहाँ पे क्या हो, के और के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 5×10⁻¹ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2×10⁻², 10⁻², कैंसिल हो जाएगा 2/4 का पावर एक्स, मतलब 1/2. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर एक्स. तो इसका मतलब ये 5/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2. और जब दोनों का पावर क्या सेम है, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, जब वैल्यू सेम है तो x इज इक्वल टू क्या, मतलब a का ऑर्डर कितना हुआ मेरा फर्स्ट. अब जब a का ऑर्डर मिल गया तब इन दोनों में से किसी को भी डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. तो इसका मतलब मैं ये ले रहा हूँ सेकेंड और थर्ड को, तो 4×10⁻², इज इक्वल टू के 3×10⁻³ का पावर 1 और सॉरी यार उल्टा कर दिया 10⁻⁵ और 4×10⁻². सॉरी माई मिस्टेक 10⁻⁵ है सेकेंड एक्सपेरिमेंट. ए का कंसंट्रेशन 4×10⁻²² का पावर 1 और 3×10 का पावर -3 का पावर y. तो ये तो मुझे अभी भी नहीं निकला, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1.8×10 का पावर -4 के 8×10 का पावर -2 और 9×10 का पावर -3 का पावर y. के और के अगेन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अब ये हो जाएगा 10⁻⁵, दिस और दिस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और दिस और दिस कैंसिल, और ये हो जाएगा 2. तो 1/18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 10⁻³ में कैंसिल, 1/2 का पावर y. तो दिस 9 टाइम्स कैंसिल, 1/3 = 9. समथिंग आई एम मिसिंग. अच्छा ये 1/3 = 9 होता, सॉरी 1/3, ठीक है 9. तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, 3 का पावर y. तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर. ठीक है, इज दैट क्लियर. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मेरा ऑर्डर तो आ गया, तो ऑर्डर भैया विथ रिस्पेक्ट टू ए 1 है और विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, तो पहला क्वेश्चन खत्म. सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, के ए का पावर 1 और बी का पावर 2. ये सेकंड क्वेश्चन हो गया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, अब आप इसमें से किसी का वैल्यू निकाल सकते हो. आई होप सो बाकी आप दो क्वेश्चन कर लोगे, आसान से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना. रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी आ जाएगी क्योंकि आपको ऑर्डर पता है. ठीक है, सब आपको बताते हैं, इस तरीके से हम निकाल सकते हो. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपने ये आपको आप कर सकते हो मेरे हिसाब से. ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए. इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे शीट वगैरह में दिए जाएंगे और मिलेंगे भी आपको.
ठीक है चलो नेक्स्ट मेथड जो आता है वो मेरा ग्राफिकल, तो ये आई होप सो ये आप कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। ठीक है नेक्स्ट आता है मेरा ग्राफिकल मेथड। क्या आता है मेरा ग्राफिकल मेथड? ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ग्राफ, इन दिस मेथड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ग्राफ, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ग्राफ ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन विल बी ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन विल बी ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, गिवन इन द प्रॉब्लम, गिवन इन द प्रॉब्लम फ्रॉम विच, फ्रॉम विच ऑर्डर इज डिटरमाइंड। ठीक है आपको मतलब एक्सपेरिमेंटली ग्राफ दिया जाएगा उससे आप ऑर्डर डिटरमाइन करना है। जैसे क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया, मान लो दिस इज माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है माइनस डी ए बाई डी टी वर्सेस टाइम। पहला क्वेश्चन में आपको ये बताना है इसका ऑर्डर क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन में आपको ऐसे बताना है माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी ए नॉट का क्यूब, इसका ग्राफ ये दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन में आपको सपोज करो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, और चौथे क्वेश्चन में आपको सपोज कर ऐसा दिया हुआ है माइनस डी ए बाई डी टी वर्सेस ए नॉट। तो आपको पता ही है जब रेट टाइम पे डिपेंड नहीं करता है तो वो कौन सा ऑर्डर होता है, ज़ीरो ऑर्डर, और आर इज इक्वल टू के ए का पावर थ्री, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ पे है ना ऑर्डर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ये ग्राफ आपको भले बात ही याद है, एन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है ये, और ये अगेन एन इक्वल टू जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। तो इस तरीके से आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो ग्राफिकल ग्राफ से क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है एक मिनट रुकिएगा। तो आपको ग्राफ दिया जाएगा उससे आपको क्या करना है, ऑर्डर पता करना है, तो ये हमने पहले ही कवर कर लिया था। ठीक है अब लास्ट के जो दो मेथड बचे वो भी हम कवर कर लेते हैं। अच्छा एक बात और, आज मैं आपको एडवांस प्रॉब्लम नहीं करवाऊंगा, एडवांस प्रॉब्लम हम कल करेंगे, और ठीक है क्योंकि आज का लेक्चर कॉमन है, क्योंकि दोनों में जाएगा सेम थ्योरेटिकल पार्ट ही है, बहुत ज़्यादा आपको करना नहीं है। हाँ फॉर्मूले जो डिराइव किए मैंने आपको वो याद रखने हैं, चाहे वो जेई का स्टूडेंट हो चाहे वो नीट का स्टूडेंट हो, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है तो अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड आता है वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, थर्ड वन है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ठीक है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम हीट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, हीट एंड ट्रायल मेथड, इट इज आल्सो नोन एज हीट एंड ट्रायल मेथड, इट इज आल्सो नोन एज हीट एंड ट्रायल मेथड, इट इज आल्सो नोन एज हीट एंड ट्रायल मेथड। इन दिस मेथड एंड इन दिस मेथड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इन दिस मेथड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन दिस मेथड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, एट डिफरेंट टाइम
इंटरवल एट डिफरेंट टाइम इंटरवल इज गिवन इन टेबुलर फॉर्म which order is determined. होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, मतलब उस डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल दिया होगा और उस टाइम इंटरवल पे आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया जाएगा टेबुलर फॉर्म में, और आपको क्या करना, उन्हीं की मदद से ये निकालना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाऊँ, तो लेट टाइम, ठीक है, ऐसे है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ क्या दिया आपको, रिएक्टेंट दिया, तो जीरो टाइम पे लेट सी नॉट है, टी वन टाइम पे सी वन है, टी टू टाइम पे सी टू है, टी थ्री टाइम पे सी थ्री है और टी फोर टाइम पे सी फोर है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, हर बार क्या करना है, के और टी वाला जो रिलेशन होता है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, वो आपको पुट करके देखना है डिफरेंट। जैसे सपोज करो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, जीरो ऑर्डर मैं देख के चल रहा हूँ कि जीरो ऑर्डर है या नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए टी बराबर क्या होता है, ए नॉट माइनस के टी होता है, ए नॉट माइनस के टी होता है, ये होता है। तो क्या मैं के को लिख सकता हूँ ए टी माइनस ए नॉट बाय टी, बराबर। मैं क्या ले रहा हूँ, जीरो से लेकर टी वन का टाइम ले रहा हूँ, अगर टाइम टी वन है तो के वन बराबर क्या हो जाएगा, सी वन माइनस सी नॉट बाय टी, टी वन, ठीक है। और दूसरे टाइम पे मैं टी टू इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, के टू बराबर क्या करूँगा, सी टू माइनस सी वन बाय टी टू। अगर इनकेस के वन बराबर दोनों टाइम पे के टू की वैल्यू बराबर आ रही है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर होगा। अगर नहीं, इफ नॉट, इफ के वन इज नॉट इक्वल टू के टू, 100% मांग के चलो, फिर ये फर्स्ट ऑर्डर का क्यों होगा, मैंने आपको पहले बोला ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन आपके फर्स्ट ऑर्डर पे ही रहता है, ठीक है। और फिर आप एक काम करो, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला पुट करो, के बराबर क्या होता है, वन बाय टी एल एन ऑफ ए नॉट बाय ए टी होता है, तो लेट टी वन टाइम के लिए मैं कर रहा हूँ, तो के वन बराबर क्या हो जाएगा, वन बाय टी वन एल एन ऑफ सी नॉट बाय सी वन, और टी टू टाइम पे मैं क्या करूँगा, के टू इज इक्वल टू क्या करूँगा, वन बाय टी टू एल एन ऑफ सी नॉट बाय सी टू। अब ये गलती मत करें, यहाँ से चला तो इनिशियल कंसंट्रेशन सी वन मान लोगे, नहीं, जहाँ से आपका रिएक्शन चालू हुआ वही आपका इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा हमेशा। तो इनकेस अगर के वन बराबर क्या रहा है, के टू वाला है, सी आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ये पहचाने का तरीका है। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट दिया हुआ, तब आपको ये मेथड यूज करना रहता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हाफ लाइफ मेथड बोलते हैं। आपको कुछ नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हाफ लाइफ दिया जाएगा और कुछ नहीं। इन दिस मेथड फॉर एट लीस्ट टू डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाफ लाइफ टाइम विल बी given for any particular reaction by which order is determined, ठीक है, क्या होगा, इन दिस मैथड फॉर एटलीस्ट टू डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाफ लाइफ टाइम विल बी गिवन फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्शन बाई विच ऑर्डर इज डिटरमाइंड। कहने का मतलब क्या है, पर्टिकुलर रिएक्शन में कम से कम आपको दो इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए दो हाफ लाइफ टाइम आपको दिया जाएगा, उससे आपको क्या करना रहता है, इनिशियल दीजिए। भाई कोई बोलेगा, कोई स्टूडेंट है भाई, वो बोला सर मैं दो मोलर से चालू कर रहा हूँ, तो उसका हाफ लाइफ सपोज कर 15 मिनट आ रहा है। और कोई बोला सर मेरी मर्जी, मैं 2 मोलर से, मैं 10 मोलर से चालू करूँगा,
तो उसका हाफ लाइफ डिफरेंट आएगा। कोई बोलेगा सर मैं 20 मोलर से चालू करूंगा, तो उसका हाफ लाइफ आपने सब बात डिफरेंट आएगा। तो जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर एक्सपेरिमेंट वन किया गया ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन लेट इट बी ए वन को स्टूडेंट लिया, तो उसको हाफ लाइफ कितना मिल रहा है, टी वन मिल रहा है, कितना मिल रहा है, टी वन। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसको क्या मिलेगा, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन लिया ए टू, अब उसको हाफ लाइफ कितना मिल रहा है, टी टू। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा है, कोई ले रहा है ए नॉट इज इक्वल टू ए थ्री, इनिशियल कंसंट्रेशन ए थ्री लिया, तो टी हाफ लाइफ उसको क्या मिल रहा है, टी थ्री मिल रहा है, क्या मिल रहा है, टी थ्री मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है टी हाफ जो होता है वो होता है वन बाय ए नॉट का पावर एन माइनस वन होता है, क्या होता है, वन का ए नॉट बाय एन माइनस वन। अब समझो बात को, अगर टी वन होगा तो ये किसके बराबर होगा, वन बाय ए वन का पावर एन माइनस वन, और जब टी टू होगा तो टी टू के लिए कितना होगा, वन बाय ए टू का पावर एन माइनस वन। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, मैं क्या कर रहा हूँ दोनों इक्वेशन को क्या कर दे रहा हूँ बेटा, मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, लेट इट बी दोनों इक्वेशन को क्या किया मैंने आपको, डिवाइड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करने पर तो टी वन बाय टी टू क्या हो जाएगा, ए नॉट ए टू बाय ए वन का पावर एन माइनस वन, तो ये आपका क्या बन जाता है, फॉर्मूला। और यहीं से आपको क्या निकालना रहता है, फर्स्ट ऑर्डर निकालना रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, हाफ लाइफ दिया हुआ है, ठीक है, हाफ लाइफ दिया हुआ है, सपोज करो वन बाय ए नॉट का पावर और ये स्टेट लाइन बोल रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर, तो कोई बात नहीं, मुझे पता है वन टी हाफ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है वन बाय ए नॉट का पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन की वैल्यू कितनी है, थ्री है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर। तो यहाँ से मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम इज हाफ, हाफ लाइफ टाइम इज हाफ, फॉर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम रिएक्शन क्या कर दिया, हाफ हो गया, लेकिन कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज बिकम जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो चुका है 1/4 डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था तब एक्स था, तो हाफ लाइफ मेरा क्या था, टी वन था, हाफ लाइफ कितना था, टी वन, और जब कंसंट्रेशन एक्स बाय फोर कर दिया गया तो हाफ लाइफ कितना हो चुका है मेरा, 1/2 हो चुका है, ठीक है। तो T1 by 2 हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करता हूँ, T1 by T2 is equal to क्या हो जाएगा, A2 by A1 n minus 1, तो T1 मेरा हो जाएगा T1 as T1 by 2, ठीक है, is equal to क्या हो जाएगा, X by 4 by X का पावर n minus 1, तो T1 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और x क्या हो जाएगा, 1/4 का पावर n माइनस वन। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1/2 का पावर 2n माइनस टू, क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 का पावर 2n माइनस टू, अच्छा t1 था, बराबर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जब ये माइनस हो जाएगा तो 2n माइनस टू का माइनस माइनस वन हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा, तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा माइनस हाफ ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, माइनस हाफ। तो आई होप सो यहाँ तक आपको जितने भी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एक्सपेरिमेंटल हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं मैंने कवर कर दिया, अब आप एनसीईआरटी भी सॉल्व कर सकते हो, जो आपके टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चन होंगे वो प्लीज़ गो थ्रू दैट, टेबुलर फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन होंगे प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट ये है सभी से, चाहे जेई का स्टूडेंट चाहे नीट को, उनको एक बार सॉल्व जरूर करिए, क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन ही वो छाप देता है जेई मेंस और नीट में, ठीक है। तो और नीट वालों के लिए अब ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका 70% टॉपिक खत्म हो चुका है, नीट वालों के लिए मैं RNS चालू करूँगा, और एडवांस वालों के लिए कल नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक अलग लेवल का होगा, थोड़ा लेवल डिफरेंट होगा, और कल कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम एडवांस के। ठीक है, आज के लिए थैंक यू वेरी